आज के इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत हम सभी लोगों की मार्गदर्शक एवं आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परम आदरणीय गवर्धन मैडम, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर आलोक राय, कुलपति लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ इस पावन प्रांगण में उपस्थित लखनऊ यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर, टीचर्स, कॉलेज से उपस्थित हमारे सम्मानित प्रिंसिपल्स, और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आंगनबाड़ी बहने, कार्यकर्ती एवं महिला ग्राम प्रधान। मैं इस कार्यक्रम की उपज कैसे हुई, इसकी सोच ये सारी की सारी हमारे परम आदरणीय गवर्नर मैम की प्रेरणा से हुआ है, और आज से लगभग मैं आप सभी को शेयर करना चाहूंगा, लगभग 2-2.25 वर्ष पूर्व मैम का ये विजन था कि लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ से इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रारंभ किया जाए, और समाज में सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चे होते हैं, कारण अगर हमारे बच्चे स्वस्थ हैं तो वो अच्छा पढ़ेंगे, अगर न्यूट्रिशियस उनकी डाइट है, उनकी लर्निंग अगर बचपन से ही अच्छी होती जा रही है, तो वो इस राष्ट्र के निर्माण में और अपनी गति, उस राष्ट्र के निर्माण में और गति और अपनी कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा दे सकेंगे। यही प्रेरणा के साथ मैम ने आज हम लोगों को प्रेरणा दी, गाइड किया, हम लोगों को तरीका बताया कि किस तरह हमें सबसे पहले अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को ट्रांसफॉर्म करना है। और मैम आपके आशीर्वाद से मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि बिना गवर्नमेंट से एक भी पैसा लिए हुए जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, आज 360 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और इन आंगनबाड़ी केंद्रों में हम 12 आइटम्स देते हैं, जैसे कि 60 आंगनबाड़ी केंद्रों को आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजेस के माध्यम से दिया गया, जिसमें फर्नीचर छोटे बच्चों के लायक, ऐसे फर्नीचर नहीं जिसमें बच्चे चढ़ ही नहीं पाए, कालीन है, कुर्सियां हैं, छोटे टेबल है जहां पे बच्चे बैठ करके लर्न कर सके। इसके साथ ही साथ लर्निंग बाय टॉयज, खिलौनों के माध्यम से किस तरह से बच्चे खेलेंगे, आप देख रहे होंगे सब पे लिखा हुआ है, ABCD भी अगर देखना है तो बच्चे देख सकेगा ये कैसे है, ए फॉर एप्पल तो एप्पल उसके साथ है, उसके सामने है, इस तरह करके लर्निंग, जो स्टडी टेबल है बच्चे की जिसपे वो बैठ करके पढ़ेगा, उसके ऊपर भी क, ख, ग, आ, ई और चित्र बने हुए हैं विभिन्न प्रकार के, ताकि बच्चा देख के सीख सके। इसी तरह डिफरेंट बोर्ड, वेइंग मशीन भी इसमें दी जाती है, हाइट नापने के लिए कि बच्चों का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बर्तन, ट्राई साइकिल बच्चों के खेलने के लिए, उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, बच्चा दौड़ सके, खेल सके और ट्राई साइकिल चला सके, वो बर्तन भी विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टॉयज बच्चों को अलग से दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल 12 आइटम्स हैं जो कि बच्चों को दिए जाते हैं, और 360 आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैम ने कहा, और मैं आग्रह करूंगा यहाँ पे हमारी जितनी महिला प्रधान है, और मैम एक और अच्छी चीज है, जनपद लखनऊ में लगभग 60% हमारी प्रधान महिला प्रधान है, मातृशक्ति से 55 गांव की हमारी जो प्रधान है वो आज यहाँ पे आई है, तो हम लोग आज मिलकर एक प्रण भी ले, जिस तरह मैम ने बताया है 100% हमारे यहाँ जितनी गर्भवती महिलाएं हैं गाँव में उनकी हॉस्पिटलों में डिलीवरी पहला दिन, ये हमें इंश्योर करना है, प्रधान के रूप में आपको इंश्योर करना है। दूसरा, हर एक परिवार का, हर एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड जरूर बनना है। तीसरा, कुपोषित कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा हमारे गांव में कोई कुपोषित नहीं रहे, कि आप प्रण लीजिए। और मैं इसी श्रृंखला में एक गर्व की भी बात है कि लखनऊ में हम लोगों ने इन 360 आंगनबाड़ियों को जो ट्रांसफॉर्म किया है, और अन्य गांवों में भी 8112 बच्चों को कुपोषण मुक्त किया है पिछले 2 वर्षों में, आपकी प्रेरणा से 8112 बच्चे कुपोषण मुक्त है। लेकिन अभी जर्नी जारी है, हम उस दिन ही रुकेंगे जिस दिन 100% हमारे बच्चे कुपोषण मुक्त हो जाए, कोई बच्चा कुपोषित नहीं है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में हम लोग पोषण वाटिका भी बनवा रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा यहाँ पे जो प्रधान आई है आप लोगों से और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, कि आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे अगर पोषण वाटिका नहीं तो पोषण वाटिका बनाए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभिन्न प्रोफेसर से और जो प्रिंसिपल आए हैं, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आंगनबाड़ी केंद्र अगर आप जाए तो एक परिसर में बाउंड्री बनी रहती है, कमरे बने रहते हैं जहाँ बच्चों के खेलने की, पढ़ने की जगह है, लर्निंग बाय डूइंग है, प्रांगण में बच्चे खेलते दौड़ते हैं, ट्राई साइकिल चलाएंगे, साथ ही साथ एक छोटा सा एरिया हमें आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक
साग सब्जी का, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल ग्राम प्रधान का और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का है। और ये साग सब्जी का उपज कौन लेके जाएगा? बच्चों के घर पे जाएगा, ताकि उसका जो पोषण है, उसका जो न्यूट्रिशन है, इसका लाभ वो हमारे बच्चे उठा सके। तो ये पोषण वाटिका हमें हर आंगनबाड़ी केंद्र में डेवलप करना है। प्रतिदिन इसमें आपको ज्यादा नहीं आधे घंटे लगाने होंगे, लेकिन उसकी जो पोषण का जो गुण है वो सब बच्चे ले पाएंगे। मैम हमने ऐसे 500 डेवलप कर दिए अपने जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों में। साथ ही साथ 100% हमारे बच्चे आंगनबाड़ियों में रजिस्टर हो और आंगनबाड़ी के बाद प्राइमरी स्कूल 100% बच्चे एजुकेशन को करें। और एक और मैं आग्रह करूंगा कि ये कोरोना महामारी के कारण कई सारे हमारे छोटे बच्चे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, किसी ने माता को खोया, किसी ने पिता को खोया, किसी की माता पिता दोनों को खोया। तो हर बच्चे को हम लोग अडॉप्ट भी जरूर करें। इस प्रकार से योजना भी गवर्नमेंट ने चलाई है, जैसा कि मैंने बताया भी आप लोगों को, कोई भी बच्चा हमारा ऐसा न रहे जिसके अभिभावक ना हो, कोई बच्चा हमारा कुपोषित नहीं रहे। 100% हम आंगनबाड़ी केंद्र को ट्रांसफॉर्म भी करें। और मैम आपकी इसी प्रकार से हम लोगों को प्रेरणा हमेशा मिलती रहे, क्योंकि आपकी प्रेरणा से हम लोगों को अद्वितीय ऊर्जा भी मिलती है। और मैं एक बार सभी अतिथियों का एक बार पुनः धन्यवाद भी कहूंगा और आग्रह करूंगा अपनी महिला प्रधानों से, जहां आप लोग उपस्थित हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, कि दोनों हाथ उठा करके प्रण कीजिए और संकल्प लीजिए जो कि मैम ने हम लोग को दिया। आप लोग संकल्प लेते हैं? सभी लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।